दोस्तों, इस वक्त दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि उनकी अमीरी की उम्र गुजर चुकी। क्या आप रे क्रॉ को जानते हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स का बानी है? अगर नहीं तो इस वीडियो में उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। जब उसने कमाना शुरू किया तो उसकी उम्र उस वक्त 50 साल से ज्यादा। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है अगर वो अपनी जिंदगी के 45 सालों में हार मान जाते और अपनी किस्मत की सितारों पर यकीन छोड़ देते तो कभी भी वो इतना अमीर और मशहूर ना हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो लोग जो अभी जवान हैं, वो भी यही शिकायत करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी कमाई का उम्र गुजर चुकी है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की सफर की एक ही किश्ती थी जो वो अपने हाथों से खो चुके। रे क्रॉ लिखते हैं कि लोग इस बात पर बहुत हैरान है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स का आज 52 साल की उम्र में किया और मैं रातों रात अमीर हुआ। फिर आगे वो कहते हैं कि मैंने कामयाबी एक रात में हासिल नहीं की बल्कि इसके पीछे मेरे 30 साल की तवील लंबी मेहनत। कोलियंस हिल ने हजारों अमीरों पर किए गए सर्वे से ये बात सामने आई है कि अक्सर लोग 40 साल की उम्र के बाद कमाना शुरू करते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल गर्दश करता होगा कि क्या बीमारी या मजदूरी कामयाबी में रुकावट नहीं होती? बिल्कुल, ये किसी हद तक हो सकती है, लेकिन हम वापस फिर रे क्रॉ की मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं, मेरी उम्र 52 साल थी और मैं डायबिटीज का मरीज था और जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो चुकी और मैं गल ब्लैडर और थायराइड ग्लैंड का ज्यादातर हिस्सा इब्तदाई दिनों में खो चुका था। अब आपको सोचना चाहिए ये कहने से पहले कि आपकी कमाई की उम्र गुजर चुकी थी, आपकी सेहत के मसाइल बहुत संगीन। रे क्रॉ का इंतकाल 75 साल की उम्र में होता है और मरने से पहले कुछ बनता। इसलिए मेहनत इंसान को नहीं मारती बल्कि अक्सर बेकारी से इंसान मौत का शिकार बनता है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। दिन को ऐसा जिए जैसे ये आपकी बाकी जिंदगी का पहला दिन है।